गाइस एंड हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले अपना ट्रैवल व्लॉग एंड हमारा होटल टूर। सो सबसे पहले हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है हमारी सिटी से, सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग फ्रॉम द मॉर्निंग। सो गाइस, अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे एंड हम लोग हमारे स्टेशन के जो ट्राम स्टॉप है उस पर थे एंड हमें कल रात को पता चला था कि हमारे वाले एरिया में कोई भी क्रिसमस की वजह से कोई भी ट्राम या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं चल रही। तो जो मेरा भाई है उसने कल हमें एक रजिस्ट्रेशन करवा दी थी जो सिटी की टैक्सी होती है उसकी। सो टैक्सी आएगी इधर 6:45 पे एंड अभी 6:32 हुए थे। सो अभी हम लोग वेट करेंगे कुछ देर इधर। एंड बाय द वे गाइस, अभी हमारी टैक्सी आ चुकी है एंड हम लोग इसके अंदर बैठ चुके हैं। हमें कोई भी टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल हमारी टिकट होती है, लाइक मेरा और मेरे भाई की, हम लोगों की जो स्कूल की टिकट है वो चली है एंड मेरी मम्मा की नॉर्मल जो सिटी की टिकट होती है, क्योंकि ये एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी इस वजह से हमें इस पर पे नहीं करना पड़ा। तो अभी हम चलते हैं अपने सेंट्रल स्टेशन जो हमारी है सिटी का स्टेशन। वो बहुत बड़ा तो नहीं है बाकी स्टेशन की तरह, बट इट्स स्टिल ओके। एंड बाय द वे, मैं आप लोगों के साथ गाइस छोटे छोटे क्लिप्स इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना पूरा व्लॉग शूट कर लिया था ट्रैवलिंग का, बट बाय मिस्टेक गलती से मैंने उसको डिलीट कर दिया और मेरे से बेवकूफ़ी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने उसे सिर्फ अपने फ़ोन की गैलरी से नहीं बल्कि रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, जिस वजह से वो रिस्टोर भी नहीं हो सकता। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप्स ही शेयर कर देती हूँ। बट यू विल नॉट बिलीव, तकरीबन 8-9 घंटे लगा के मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकती हूँ मैं, आई एम जस्ट स्टूपिड, बट इट्स ओके। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे एंड यहाँ पे जो 8 बजे ट्रेन आ रही है ना, होफ हफ्ट पानोफ वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, वो है हमारी ट्रेन। एंड अभी तो 7 भी नहीं बजे, तो हम लोगों को तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट इधर इंतज़ार करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग इधर बैठ जाते हैं एंड वेट करते हैं। हम लोग बेसिकली पहले इसलिए आ गए थे क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि हमारी जो टैक्सी है वो प्रॉपर टाइम पे आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आती तो फिर ऑफकोर्स हमें पैदल आना पड़ता ट्रेन स्टेशन तक, या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता। तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रेन में बैठ गई थी एंड हम लोग गाइस यहाँ पे अभी होफ से न्यूनबर्ग भी पहुँच चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे से सारी क्लिप्स डिलीट हो गई थी, बीच बीच की कुछ क्लिप्स रह गई थी, वो भी मैंने अपने मोबाइल को सारा करने से पहले दूसरे फ़ोन में एयर ड्रॉप की थी, उस वजह से कुछ रह गई थी, अदरवाइज ये भी डिलीट हो जाती। सो अभी हम जा रहे हैं गाइस, अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली ये वाला जो क्लिप है ये है उस ट्रेन का जो हम लोगों ने होफ से ली थी न्यूरनबर्ग के लिए, क्योंकि न्यूरनबर्ग से जो हमारी ट्रेन फ्रैंकफर्ट आई थी वो ICE थी, तो उसका मेरे पास कोई भी क्लिप नहीं है उसके अंदर बैठने का। बट मैंने इसके अंदर कुछ और भी क्लिप ऐड किए हैं जो मैंने ICE में बैठ के बनाए थे, लेकिन वो आपको बाहर का व्यू नज़र आएगा और आपको ट्रेन का अंदर का नहीं आएगा। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरा इतना बुरा हुआ कि जब ICE आ रही थी ना स्टेशन पे, मैंने उस टाइम पे उसकी वो भी वीडियो बनाई थी, बट कोई बात नहीं, इट्स अ बाय मिस्टेक डिलीट हो गई एंड या कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी हम लोग गाइस चल रहे हैं स्टेशन तक। एंड गाइस फाइनली अभी हम लोग फ्रैंकफर्ट पहुंच चुके हैं और जो ये वाला क्लिप है ये ICE में मैंने शूट किया था, लेकिन ये सिर्फ बाहर का ही व्यू है, फ्रैंकफर्ट की जो सी है ये उसका है रिवर का।
सो इसमें भी आपको ट्रेन के अंदर का कोई क्लिप नज़र नहीं आएगा, बट इट्स ओके. एंड बेसिकली ये वाला भी डिलीट हो गया था, लेकिन ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई थी, तो मैंने उससे स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखा दिया. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ फ्रैंकफर्ट सिटी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पे हम लोग फ्रैंकफर्ट पहुँच चुके, और ये थी हमारी आईसी जिसके क्लिप मेरे से डिलीट हो गए थे. एंड ये हमारा होटल है, अमीटिया होटल है, ये राउंडहाइम में, क्योंकि हमारा दूसरा होटल था जो रुसेलसहाइम में था, बट वो हमारा एंड टाइम पे उन्होंने एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि रुसेलसहाइम वाले होटल में कोई भी कस्टमर सर्विस के लिए कोई भी बंदा नहीं था, क्योंकि आज क्रिसमस थी इस वजह से. एंड यहाँ पे मैं आपको पूरा लॉबी वगैरह का सारा अपना होटल रूम टूर दूँगी, एंड सारा लॉबी वगैरह भी दिखाऊँगी. और ये वाला जो सारी वीडियो है ये मेरे भाई ने शूट किया है, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे इतनी प्रोफेशनली नहीं करनी आती, इस वजह से मैंने अपने भाई से पूछा था कि आप मुझे कर देंगे, तो उन्होंने मुझे वीडियो शूट करके दी थी. एंड यहाँ पे ये सारा जो होता है ना इनका कॉरिडोर वो है. एंड बाय द वे दिस होटल वाज सो ब्यूटीफुल, एंड ये बहुत सटल सा होटल था. और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस होटल के अंदर और क्या क्या है. एंड ये जो सारा है, हम लोग का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, एंड जो रिसेप्शन वगैरह था वो ऑफकोर्स ग्राउंड फ्लोर पे था. एंड ऐसी की थी इनकी कार टाइप की. एंड ये हम लोग अभी अंदर आ गए रूम के अंदर, एंड दिस वॉज द रूम. उन्होंने रूम के अंदर ऐसे जो वॉलपेपर होता है पीछे बैकग्राउंड में वो लगाया था, एंड ऐसे एक टेबल था, उसके अंदर टीवी लैम्प्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा सटल सी चीज़ें थी. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा बेड था, एंड ये इन्होंने कुछ पानी रखा था यहाँ पे. एंड ऑल्सो देयर वाज़ अ टेलीफोन फॉर कस्टमर सर्विस. एंड ऐसे इसका दरवाज़ा था, दरवाजे के साथ ही था इसका वॉशरूम. एंड ये था वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर इन्होंने हेयर ड्रायर एंड बहुत सारी चीज़ें भी दी थी साथ. इधर एक बाथ टब भी था जिसके साथ इन्होंने जो हेयर वॉश बॉडी वॉश वगैरह वाला होता है वो भी सारा इन्होंने लगाया था. एंड साथ इधर एक कबर्ड था, साथ उसके मिरर था. एंड फिर से ये पूरा रूम था, बेसिकली रूम बहुत ज़्यादा प्रिटी था और बहुत ज़्यादा सटल सा था, इसके अंदर कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं था. एंड दैट्स व्हाई आई लव्ड इट सो मच, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी था. एंड ये था गाइस लिफ्ट वाला एरिया. एंड ऑल्सो गाइस प्लीज़ इग्नोर द वॉइस इन बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने इसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो साथ साथ नहीं की थी, एंड मैंने वॉइस ओवर भी किया था. लेकिन अगर आपको पता है कि आप एक पूरे फैमिली के साथ हैं, आप कहीं पर भी कोने में घुस के भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, फिर भी किसी ना किसी की आवाज़ पीछे आती ही आती है. सो दैट वॉज माई टुडेज़ वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट, कीप वॉचिंग एंड हाफिज़.